बंधुओं, आज हम समानाधिकरण बहुव्रीहि के जो छह भेद हैं उसके विषय में हम विस्तार से जानेंगे। पहला है द्वितीय समानाधिकरण बहुव्रीहि। उदाहरण में देखिए, प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदकः अर्थात ग्रामः। प्राप्तम उदकम याम सा प्राप्तोदका अर्थात नगरी। प्राप्तम उदकम यत तत प्राप्तोदकम नगरम। और प्राप्तम धनम यम सह प्राप्त धनः पुरुषः आदि। तृतीय समानाधिकरण बहुव्रीहि। दत्तम चित्तम येन सह दत्त चित्तः अर्थात शिष्यः। जितानि इंद्रियाणि येन सह जितेन्द्रियः पुरुषः। पीतम दुग्धम येन सह पीत दुग्धः अर्थात बालः। पीतम दुग्धम यया सा पीत दुग्धा अर्थात बाला आदि। चतुर्थी समानाधिकरण बहुव्रीहि। दत्तम धनम यस्मै सह दत्त धनः ब्राह्मणः। उपहृतः पशुः यस्मै सह उपहृत पशुः रुद्रः आदि। पंचमी समानाधिकरण बहुव्रीहि। इसका उदाहरण है, निर्गतम बलम यस्मात् सह निर्बलः पुरुषः। निर्गतम भयम यस्मात् सह निर्गत भयः या निर्भयः नरः। पतितम पत्रम यस्मात् सह पतित पत्रः वृक्षः। और निर्गतम धनम यस्मात् सह निर्धनः अर्थात जनः। षष्ठी समानाधिकरण बहुव्रीहि। इसका उदाहरण इस तरह से है, लंबौ कर्णौ यस्य सह लंबकर्णः वृषभः। महान आत्मा यस्य सह महात्मा महापुरुषः। शुभम आननम यस्याः सा शुभानना स्त्री। श्वेतम अंबरम यस्याः सा श्वेतांबरा सरस्वती आदि। सप्तमी समानाधिकरण बहुव्रीहि। इसका उदाहरण इस तरह से है, वीराः पुरुषाः यस्मिन् सह वीर पुरुषः ग्रामः। विमलम उदकम यस्याम सा विमलोदका वापी। अमृतम इव उदकम यस्याम सा अमृतोदका गंगा। निर्मलम उदकम यस्मिन् तत् निर्मलोदकम सरह आदि। अगले भाग में हम बहुव्रीहि समास के अन्य भेद के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।